और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? MIG 23। आज हम लोग जा रहे हैं MIG 23 सबके सब बिल्कुल घूमने NITC। हम लोग ने सोचा NITC की शान MIG 23। और हमारे साथ कौन कौन है? अजय भाई, धनंजय भाई, रजत भाई, पीछे श्रीकांत, नवनीत और प्रणव और सार्थक। और हम सब चलते हैं अब मिक की तरफ। निकले चलो फिर अपनी सवारी निकले। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बढ़िया सा बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी एक बहुत बढ़िया चीज लेकर आया है जिसे कहते हैं गेट चैंप्स। इस गेट चैंप्स का टेस्ट आपको देना पड़ेगा 24 अक्टूबर को 10 बजे सुबह, जिसको आप अनलॉक कर सकते हो मेरे कोड के थ्रू SID12334। यहाँ पर ये हो रहा है इंट्रोड्यूस मैकेनिकल एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लोगे तो इसके बाद आप चाहे फिर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा हो चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक मिल जाएंगे मेंटोर। आप इंडिया के जो बेस्ट मेंटोर टीचर है उनके द्वारा आप गेट के लिए मेंटोर किए जाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में बर्व गेट 2023 मैकेनिकल वालों के लिए बैच आया है जिसमें पहली क्लास स्टार्ट हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे लेने वाले हैं प्रवीण कुलकर्णी सर। आप इन्हें पहले से ही जानते होंगे, इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट फैकल्टी हैं ये। ये बैच हो रहा है 20 अक्टूबर से स्टार्ट, जिस पर आप SID12334 आप लगाओगे ये कोड तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। नाइट व्यू से कहते हैं मेन रोड NIT तिरछी, यहीं से NIT तिरछी का गेट है और आपको दिखाऊंगा एडमिन की बिल्डिंग जो NIT तिरछी के रास्ते में पड़ती है और हमारे गैंग निकल चुके हैं यहां पर। ये जो आपको दिख रहा है ये NIT तिरछी का मेन एंट्रेंस है। इसके साथ साथ आप इधर साइड देख सकते हो, ये जो दिख रहा है ये NIT तिरछी की एडमिन बिल्डिंग है जो आप लोग यूजुअली देखते हो वीडियोस। और अब हम लोग चल रहे हैं मिक की तरफ, आप लोग को दिखाते हैं मिक के सारा व्यू। मिक बहुत अच्छा है, मिक यहाँ पर पड़ता है ओरियन के पास। ओरियन मतलब यहाँ पर एक लेक्चर हॉल है, उसके पास में यहाँ पर मेघ बना हुआ है, उसके आगे ही रखा हुआ है। 23 के पीछे की स्टोरी बताता हूँ। यहाँ से ही हमारे एक एलुमिनाई थे, एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने ये MIG 23 NIT तिरछी को डोनेट किया है। और NIT तिरछी की आप मेघ वाली स्टोरी आप पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी स्टोरी दी गई है NIT तिरछी की वेबसाइट में, उसकी लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूँगा। देख रहे हो उन्हीं को ओरियन कहते हैं। देखिए इधर पे भी ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, उधर आगे भी ये बिल्डिंग ओरियन की बनी हुई है। उसके पीछे वो देखिए हमारा MIG 23 रखा हुआ है, उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है उसको कहते हैं ओजस, उसे कहते हैं यहाँ पे MSC डिपार्टमेंट, और वहां पर लैब्स लगती है सारी की सारी बहुत सारे लोगों की। और आज साइकिलें देखो भाई कितनी सारी मिक के पास खड़ी हुई है, यहाँ मिक के पास काफी कुछ भीड़ रहती है और हमारे लोग यहाँ पर ले रहे हैं पिक्चर। रजत भाई से बेसिक क्वेश्चन करेंगे और हम पूछेंगे कि ये जो MIG 23 खड़ा है, तो रजत को थोड़ा सा प्लेन्स का नॉलेज है, थोड़ा पढ़ता रहता है, तो रजत से ही पूछेंगे कि इसको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मालूम है इस प्लेन के रिगार्डिंग। रजत कुछ बताओ यार, MIG 23 में क्या खासियत है? देखो बेसिक इस प्लेन का है, ये है मिकोयन MIG 23। ये सोवियत मेड है, 1967 का, सिंगल जेट फाइटर इंटरसेप्टर है। तो क्या होता है कि जब कोई एनिमी के प्लेन्स आते हैं तो ये इंटरसेप्ट करने के काम आता है उनको। तो इसमें क्या होता है, बेसिक ट्विन बैरल गन लगी होती है सामने की तरफ, और यहाँ पे माउंट यूनिट्स तो इसका हटा दिए गए हैं, तो एयर टू एयर मिसाइल होती है तो वो इस पे लगती है, लेकिन अभी इन्होंने हटा दिया गया क्योंकि सिर्फ बॉडी रखी हुई है। तो ये सिंपल फाइटर इंटरसेप्टर प्लेन है। और अभी रजत और भी कोई प्लेन इंडिया में चलते हैं, मतलब जो जनरली हम लोग यूज करते हैं इस पर्पज के लिए? अभी अपन MIG 30 MKI यूज करते हैं, सो वो इसको रिप्लेस करते हैं। वो एक हैवी फाइटर है, ट्विन जेट है, ये सिंगल जेट इंजन है। हाँ, बॉम्बिंग ऑपरेशंस के लिए या मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए रफेल यूज करते हैं। रफेल भी हमारे पास है, मिराज 2000 भी यूज करते हैं, और तेजस भी है शायद हमारे पास। हाँ तेजस का क्या मल्टी रोल है, अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो कंप्लीट यूसेज उसका है। चलो फिर रजत ने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, हर वीडियो में रजत कुछ ना कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं आप लोगों को बिल्कुल। रजत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, रजत तू ही बोल दे, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.
आज हम लोग करने वाले हैं एक स्पेशल डिस्कशन। आज इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि NIT त्रिची में क्या क्या खास है और हमारे सारे दोस्तों से एक एक चीज़ पूछेंगे NIT त्रिची के बारे में। तो ये लोग NIT त्रिची की कुछ ना कुछ खासियत बताएंगे और आप लोग अगर ICIT NIT या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ते हो तो आप लोग ही बताइएगा कि आपके यहाँ वो चीज़ है या नहीं है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है हमारे सार्थक भाई से। पहले सार्थक भाई, तुम हो कहाँ से? महाराष्ट्र। आई एम फ्रॉम देवली महाराष्ट्र। देवली महाराष्ट्र। सार्थक भाई, एक चीज़ अच्छी सी कुछ कैंपस के बारे में बताओ। चलो, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पे दो दो बहुत अच्छे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रणव भाई से। NIT त्रिची की रैंकिंग 9 है NRF रैंकिंग और वन ऑफ द बेस्ट NITs इन द कंट्री। चलो, अब अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीकांत भाई से। अच्छा, यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और 4 फ्लोर्स का है और एवरी बुक इज अवेलेबल, बहुत अच्छी है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है नवनीत भाई से। बिग कैंपस, वेरी बिग कैंपस, बहुत बड़ा 800 एकड़ का कैंपस है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो ये बात तो सच है, कैंपस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा भुजवल भाई से। यहाँ का मतलब हॉस्टल बहुत बढ़िया है, टोटल 22 हॉस्टल है यहाँ के, मतलब टोटल बीटेक पीजी पीएचडी और एमसीए और एमबीए सब बच्चों को मिलाकर टोटल 22 हॉस्टल है, जिसमें से 15 बॉयज है और 8 लड़कियों का हॉस्टल है। अभी रिसेंटली एक नया बॉयज हॉस्टल का इनॉग्रेशन हुआ है, जो रिसेंटली हमको ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाए थे तो नीरज चोपड़ा सर, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट की बात है। ये बात भी सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा धनंजय भाई से। अरे, पर्ल में ठंडा पानी आता है जबकि लैपकेस में इनके हॉस्टल में नहीं आता है। ऐसा है क्या? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैन मंगाते हैं। अरे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है रजत भाई से। यहाँ का जो वेदर है बहुत एरिड है, पर इस अक्टूबर मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक यहाँ बारिश होती है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये शहर से 30 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा जंगल टाइप का इलाका, तो वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब नेचुरल जो स्नेक्स होते हैं, पीकॉक्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। ये बात सच है, वो एंजॉय करेंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने सबसे तो पूछ लिया, अब सिद्धार्थ भाई से भी पूछ लेते हैं यहाँ का क्या उनको अच्छा लगता है। तो सिद्धार्थ भाई, आपका ओपिनियन बताए NIT त्रिची के लिए। देखो यार, मैं सही बताऊँ, सबसे बेस्ट बात NIT त्रिची के अंदर है यहाँ का प्लेसमेंट्स। पीजी प्लेसमेंट्स में तो यहाँ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके साथ साथ दूसरी सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर मैस। यहाँ पर टोटल 13 मैसेज हैं, जिसमें नॉर्थ इंडियन अलग, साउथ इंडियन अलग, मिक्स्ड इंडियन अलग, केरला वालों के लिए एक अलग कुजीन मैस, आंध्रा वालों के लिए एक कुजीन मैस, तमिलनाडु वालों के लिए एक अलग कुजीन मैस। और अभी थोड़े से क्या मैसेज बंद हैं क्योंकि अभी बच्चे कैंपस में कम है, बीटेक वाले अभी आ रहे हैं, लेकिन जब आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया कैंपस में हरा भरा लगेगा, जो मुझे इस कॉलेज के अंदर सबसे बेस्ट। आशा करता हूँ कि इस ब्लॉग में हम लोगों ने मिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बताई होंगी। ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग, अच्छे अच्छे ब्लॉग NIT त्रिची कैंपस के आपके लिए लाते रहेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहे, जुड़े रहे सिद्धार्थ लाइव के साथ। बाय बाय।